हिंदी में ऑनलाइन संवाद, मानव सभ्यता के विकास में विचारों के आदान प्रदान, संरक्षण और प्रसारण का मौलिक योगदान रहा है। इसके अनेक माध्यम रहे हैं, जिसमें सांकेतिक भाषा और बोलचाल से लेकर लेखन विधि के प्रयोग शामिल हैं। सभ्यता के विकास की गति में मानवीय अंतर्दृष्टि और वैज्ञानिक संसाधनों का योगदान सर्वविदित है, किंतु यह भी सच है कि इस गति की दर समय और काल के विस्तृतांचल में एक समान नहीं रही है। सम्राट अशोक 261 BC के समय के शिलालेखों को बोधगया और सप में मुझे भी देखने का अवसर मिला है, जो मुख्यतः पाली भाषा में है और आज भी उनके आशय को पूर्ण रूप से समझने के प्रयास जारी हैं। इसी तरह भारतीय महाद्वीप और दक्षिणी एशिया में सूखे पाम पत्र पाम लीफ पर लिखने की प्रथा करीब 500 BC 1500 वर्ष पूर्व से शुरू हो गई थी। कोची केरला के संग्रहालयों में मुझे पाम पत्रों पर संस्कृत में लिखे आलेखों को देखने का मौका मिला है। तमिल भाषा में भी ऐसे आलेख देखने को मिलते हैं। समझा जाता है कि हिंदू मंदिरों में ऐसे प्रालेख अध्ययन शिक्षा के लिए उपयोग किए जाते थे और वहां पुराने जीर्ण आलेखों की नई प्रतिलिपि भी तैयार की जाती थी। कई शताब्दियों तक यह परंपरा चलती रही, उनमें परिवर्तन भी होते रहे। विचारों को लिखित रूप देने में कागज के उत्पादन का बड़ा दान है। इसके उत्पादन का इतिहास पुराना है, दुनिया के कई क्षेत्रों का इसमें योगदान रहा है। यूरोप में कागज का उत्पादन करीब 12वीं सदी में आरंभ हुआ और 15वीं शताब्दी आते आते उच्च कोटि का उत्पादन संभव हो गया। इसकी दूसरी है प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार, मुद्रण विधि प्रिंटिंग प्रोसेस का आविष्कार या सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ यह अनिश्चित है, किंतु 15वीं शताब्दी के मध्य करीब वर्ष 1450 से यूरोप में इसका इस्तेमाल होने लगा और शीघ्र ही इसका व्यापारिक महत्व बढ़ गया। प्रिंटिंग प्रेस का वैश्विक फैलाव विचारों के आदान प्रदान में एक क्रांतिकारी उपलब्धि थी। किताबों आलेखों और समाचार पत्रों का प्रकाशन सहज हो गया। भारत में गोवा के पुर्तगाली ईसाइयों द्वारा धार्मिक किताबों और आलेखों के प्रकाशन प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई और कालांतर में तीव्र गति से अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ। वितरण के सीमित साधनों के कारण भारत के विस्तृत भूभाग तक किताबों और समाचार पत्रों या व्यक्तिगत रचनाओं को पहुंचाना भी एक बड़ी समस्या थी। इस दिशा में सेवा की शुरुआत एक मील का पत्थर साबित हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में ऑनलाइन गतिविधियां युग परिवर्तन का सूचक है। किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पूर्व की स्थिति का समुचित वर्णन किया जाए, खासकर वह परिवर्तन दूरगामी हो। इसी तरह ऑनलाइन की महत्ता आधुनिक कंप्यूटर के विकास से जुड़ी है। ऑनलाइन और कंप्यूटर एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, जैसे मस्तिष्क और शरीर। यही डिजिटल युग का मानक स्तंभ है और उभरते विश्व का दर्पण। अतः आधुनिक जीवन शैली में कंप्यूटर की अहमियत पर दो शब्द कहना वांछित है। कंप्यूटर एक मशीनी मस्तिष्क है, जिसका आविष्कार तेज गति से गणितीय गणना के लिए किया गया था, जो वैज्ञानिक शोध में सहायक था। जटिल समीकरणों को हलने के लिए बड़े बड़े मशीनों के प्रयोग होते थे। प्रथम बार मैं कंप्यूटर के संपर्क में आया जब मैं भौतिक विज्ञान में शोध कार्य करने के लिए ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में वर्ष 1973 में आया था। वहाँ UNIVAC कंप्यूटर एक बड़े वातानुकूलित कमरे में स्थित था, किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। कंप्यूटर प्रोग्राम पंच कार्ड पर टंकित कर हम लोग वहाँ जमा करते थे, रिजल्ट बाद में मिलता था। कंप्यूटर की मेमोरी में उन्हें संचित करने का प्रावधान था, जिसे भी प्राप्त किया जा सकता था। यह प्रकरण एक स्मरणीय इतिहास बन चुका है। 90 के दशक में डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर प्रचलित हो गए, गणना करने की गति तीव्र हो गई, मेमोरी शक्ति में आशातीत वृद्धि हो गई
कंप्यूटर हमारे घरों में आ गए। कंप्यूटर पर लेख लिखना, संचित करना और उसे प्रिंट करना आसान हो गया। स्मार्टफोन के आगमन से वही कंप्यूटर हमारी हथेली में आ गया। 21वीं शताब्दी डिजिटल युग में बदल गई। 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, इंटरनेट, याहू तथा गूगल जैसे सर्च इंजन इत्यादि कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ गए। वाईफाई, स्काइप, वीडियो फोन जैसी सुविधाओं से संचारण में क्रांति आ गई। दुनिया सिकुड़कर एक कमरे में आ गई। आलेखों, चित्रों और संगीत के लिए वेबसाइट बनने लगे। सर्च इंजन के द्वारा किसी वेबसाइट पर संचित सामग्री को पढ़ा या देखा जा सकता था। ऑनलाइन गतिविधियों की शुरुआत हो गई। 21वीं सदी, विशेषकर पिछले 10 वर्षों में कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अभिन्न बन गया है। भारत में भी कंप्यूटर और स्मार्टफोन सुदूर गांवों तक फैल चुके हैं। घर बैठे समाचार पत्र पढ़े जा सकते हैं, किताब और मैगजीन पढ़े जा सकते हैं, धार्मिक ग्रंथों से लेकर वैज्ञानिक विषयों पर लेख पढ़े जा सकते हैं। ऑनलाइन स्वाध्याय का एक अभिन्न अंग बन गया है। अद्यतन ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बन गया है। हिंदी साहित्य भी इससे अलग नहीं है। कविता कोश और गद्य कोश की वेबसाइट उसके प्रमाण है। गर्भनाल पत्रिका की भी अपनी वेबसाइट है। आज विद्यार्थी कॉपी कलम की जगह कंप्यूटर लेकर कक्षा में आते हैं। हिंदी साहित्य के वैश्विक संवर्धन में ऑनलाइन गतिविधियों की अहम भूमिका है। एक प्रवासी भारतीय होते हुए मेरी नजर में इसका मुख्य कारण है वैश्विक परिवेश में अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति जागरूकता। हिंदी हमें अपनी विरासत से जोड़ती है, अंग्रेजी वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक उन्नति से जोड़ती है। हमारे व्यक्तित्व में इन दोनों का सामंजस्य है। हिंदी की ऑनलाइन पत्रिकाएं भारत के अतिरिक्त कई देशों से निकलने लगी हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, मॉरिशस इत्यादि शामिल हैं। उनमें रोचक कविताओं, कहानियों, समीक्षाओं और अन्य प्रसंगों का समावेश होता है। हिंदी में लिखने के लिए कंप्यूटर और स्मार्टफोन पर कई विकल्प उपलब्ध है, जिसके स्वरूप लिखने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हिंदी के प्रचार प्रसार में उत्प्रेरक का काम करता है। ईमेल पर ऐसी पत्रिकाएं हजारों पाठकों तक पहुंचाई जाती हैं। मुझे भी कई पत्रिकाएं मिलती हैं। व्हाट्सएप की सुविधा ने डिजिटल दुनिया को एक सूत्र में बांध दिया है। संचार के इस माध्यम ने ईमेल को गौण कर दिया है। हिंदी कविताओं और लघु कहानियां का आदान प्रदान दिनचर्या का एक भाग हो गया है। इसका दूसरा पक्ष भी है, कुछ लोगों ने इसे अपने प्रचार का साधन बना लिया है। सोचना चाहिए कि यदि कोई ख्याति प्राप्त विद्वान भी प्रतिदिन अपना लेख आपको भेजता रहे तो शायद उन्हें आप बाधित कर देंगे। कविताओं और कहानियों की रिकॉर्डिंग करके भेजना भी ऑनलाइन गतिविधि का भाग बन गया है। मेरे व्यक्तिगत अनुभव में ऐसे लेख यदि अधिक समय लेते हैं तो वे उबाऊ हो जाते हैं, समय सीमा श्रोता खुद तय करते हैं। कहानियों में यदि पात्रों की संख्या अधिक हो तो उन पर ध्यान केंद्रित करना एक समस्या बन जाती है। वर्ष 2020 के प्रारंभ से दुनिया कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप से ग्रसित है। लॉकडाउन के कारण आमने सामने की पढ़ाई लगभग बंद है। मीटिंग या सेमिनार की भी यही स्थिति है। इस बीच ऑनलाइन वीडियो मीटिंग ने सशक्त विकल्प प्रदान किया है। जूम और गूगल मीट जैसे सॉफ्टवेयर ने इसे सुलभ बना है। हिंदी जगत में भी वेबिनार प्रचलित हो गए हैं। सप्ताह में 3-4 वैश्विक वेबिनारों की सूचना मिलना आम बात है। व्हाट्सएप मंच सूचना पटल बन गए हैं। नए साहित्यकारों की वृद्धि हो रही है। कभी कभी लगता है कि जैसे आयोजकों की एक प्रतियोगिता चल रही है, कौन कितना वेबिनार आयोजित करता है, यह उनकी विद्वता का मापदंड बन गया है। एक पुरानी सोच याद आती है, विशिष्टता और संख्या में विरोध होता है।
सोशल मीडिया का यह फैलाव हिंदी भाषा के वैश्वीकरण में सहायक है, क्योंकि बहुत लोग हिंदी में लिखने लगे हैं। लेकिन हिंदी साहित्य कितना लाभान्वित हुआ है, इसके आकलन के लिए प्रतीक्षा करनी होगी।